आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप लोग अपने कैमरा को, ठीक है, अगर नया नया कैमरा तो कैसे यूज़ कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। अगर सबसे नया नया है आप लोग, तो हर चीज़ मैं बताऊंगा कैमरा के बारे में। नीचे देख सकते हैं कैमरा, यहाँ पे इसका लेंस है और ये कैमरा है और कैमरा में कैमरा क्लेंटर, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आपको लेंस लगाना, तो लेंस लगाना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ लेंस कैसे लगाना, ठीक है। तो ये आपको कैप मिलता है, ये कैप ऐसे उतर जाएगा, तो इसको साइड में रखिए। देखिए इस साइड में यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को क्लिक करते ही ये कैमरा को आप देखिए, यहाँ पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाइड बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाइड है, तो इसको ऐसे करके अपने तरफ इसको ऐसे मोड़ना है, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ओपन हो चुका है, लेंस अलग हो गया, बॉडी इसका अलग हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इसको फिर से कनेक्ट करना है तो देखते ऊपर, इसके ऊपर रेड वाइट बना हुआ है, रेड और वाइट, ठीक है। तो इसमें भी वाइट बना हुआ है, तो आपको वाइट पर रखना है इसको और कनेक्ट कर देना है। कुछ खट से आवाज़ आएगा, समझिए कनेक्ट हो गया। ये हो गया बेसिक कि आपको लेंस कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको कैमरा कैसे ओपन करना है, ठीक है। कैमरा ओपन करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ, ऑन और वीडियो, ठीक है। सिंपली आपको अगर फोटोग्राफी करना है तो एक पर ऑन कर दिया तो ये ऑन हो गया, ठीक है। डिस्प्ले देख सकते हैं, डिस्प्ले बढ़ चुका है। तो आप अगर सेकंड कीजिएगा तो फिर ये वीडियो मोड चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो मोड चल जाएगा, देख सकते हैं। ये वीडियो को मैं 3-4 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। इस पार्ट में मैं सिंपली बता देता हूँ कि अगर नए यूजर तो कैसे कुछ दिन इसको यूज कर सकते हैं, फिर बाद में आप मैनुअल मॉडल सीख के आप उसको आगे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपली बताऊंगा मैं, और इसके अगर आप लोग इसके आगे तो इसके आगे वाला वीडियो देख लीजिए, उसके आगे मैं बता दूंगा मैनुअल मोड ये सब बटन किस काम के आते हैं, ठीक है। तो सिंपली में देखिए इसको एक ऑन कीजिए, ठीक है, ये ऑन हो गया। सिंपली आपको इसमें ऑटो मोड में रखना होगा, देखिए ये ए हो गया, तो ये ऑटो मोड है, इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, कैमरा सब खुद अपने से एडजस्ट कर रहा है। जैसे कहते हैं कैमरा सब खुद अपने से एडजस्ट कर रहा है, अपर्चर हो गया, शटर स्पीड हो गया, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, खुद से कर रहा है, ठीक है। तो देख सकते पहले इस ऑटो मोड में, ठीक है। तो ऑटो मोड में आपको दिख लगा इस तरह का ऑटो, ठीक है। तो इसको आपको क्लिक करना है, इसमें आपको फ्रेम देखने लगेगा स्क्रीन में, देखिए फ्रेम देखने लगा स्क्रीन में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये वाइड वाला, तो ये फोकस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैं वो दिखाता हूँ आपको कुछ फोटो क्लिक करके, देखिए जूम करना है तो इसको मैं ऐसे अपने, देखो इसको जूम कर रहा हूँ तो मैं इसको अपने तरफ ऐसे ऐठूँगा, तो ये देखिए अपने आप खुलते जाएगा, तो जूम होगा, ठीक है। इस तरह से जूम होता है इसमें, तो मैं इसे जूम करता हूँ, ठीक है। देखिए इससे ये बटन ऊपर दिखलाइए, ये देखिए ये बटन है, इससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आप इस बटन से, ठीक है। तो एक बार सिंपली क्लिक करने से देखिए फोकस कर लेता है, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन में टच करें तो स्क्रीन में टच करके फोकस कर लीजिए, और जहाँ पे वाइट वाले निशान उसको फोकस कर रहा है, तो ये देखिए क्लिक हो गया इसको क्लिक करने से, ठीक है। तो फिर इसके जो यहाँ पर बटन दिया हुआ है उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है उसे देख सकते हैं कि क्या फोटो आया, ठीक है। ये फोटो आया है, इनफो आ रही है, ये फोटो आया, ठीक है। तो इस तरीके से फोकस में नहीं है, तो आप देखिए पहले अच्छा से फोकस में कर लीजिए, देखिए आप इस पर क्लिक कीजिए पत्ता पे, देखिए और फिर यहाँ से फोटो दिखा देगा आपको, देख लीजिए। सिंपली यही है कि अगर आप लोग अभी नया नया कैमरा लिए तो कुछ महीने में एडवाइस दूंगा आप लोगों को कि आप लोग ऑटो मोड में यूज कीजिए, ठीक है। मैनुअल में आप लोग जाइएगा लेकिन अभी मत जाइए, पर पहले कुछ दिन ऑटो में ट्राई कीजिए। देखिए इससे फोटो क्लिक होता है, सिंपली बता देता हूँ, इससे फोटो क्लिक होगा, इससे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर दिखा रहा है फोटो, और इससे जाके आप सीन कर सकते हैं, डिलीट करना तो इसे कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये सब जो बटन इतना सारा दिया हुआ है किस काम का होता है, ठीक है। सबका अलग अलग काम होता है, इसके नेक्स्ट वीडियो में बता सक दे सकते हैं। सिंपली इस वीडियो में इतना ही है कि आप फोटो कैसे क्लिक कर सकते हैं ऑटो मोड से, और मतलब आप लोग अभी नया नया कैमरा लिए हैं तो कैसे चला सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी वीडियो में, जितना एक हो सकते। जय हिंद, जय भारत।